पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी ने सबके मन में वायरस को लेकर डर का भाव पैदा कर दिया। वहीं केरल में इस साल की शुरुआत में जीका वायरस के 14 मामले सामने आए और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कदम उठाते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। रविवार 24 अक्टूबर के बाद यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि राज्य में भारतीय वायुसेना का एक वारंट ऑफिसर जीका वायरस संक्रमण से पीड़ित पाया गया। भारतीय वायुसेना के पीड़ित कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इनके संपर्क में आए 22 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं जीका वायरस संक्रमण से व्याप्त खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं कई सारी अन्य टीमों को जिले में वायरस संक्रमण को चेक कराने के आदेश भी दिए। हालांकि जीका वायरस कोरोना वायरस की तरह जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। जीका वायरस के केस में फ्लू जैसा बुखार हो सकता है, रैशेस, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और आंखें लाल हो सकती है। फिलहाल बता दें कि अभी तक जीका वायरस की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर आप में भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो आप डॉक्टर से जांच करवाएं, आप डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाएं, अपनी खून की जांच करवाएं। फिलहाल आपको इस वायरस में अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप मच्छरों से बचने के लिए करते हैं वही आपको इस वायरस में करना पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहो ऑथम न्यूज के साथ।